हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब अच्छे से होंगे। आज भगवान के भोग के लिए एक रेसिपी बना रही हूँ, तो सोचा आपके साथ शेयर करूँ। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पर, और जैसे ही कढ़ाई गर्म हो गई उसमें मैंने ऐड किया घी। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से काजू, इसको हम भून लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दालचीनी, हरी इलायची, काली मिर्च, लौंग, ये सारी चीज़ों को डालकर भून लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे थोड़ा टमाटर, और उसके बाद थोड़ी सी किशमिश। किशमिश से क्या होता है, इसके अंदर एक मिठास आती है, इसी वजह से मैं इसमें किशमिश ऐड कर रही हूँ। फिर नमक स्वाद के अनुसार, और ये सारी चीज़ अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे पकने के लिए, और इसका ढककर छोड़ देंगे एक मिनट के लिए। एक मिनट के बाद ये पूरा अच्छे से पक चुका है, और ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंडर में पीस लेंगे। अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। यहाँ पर मैंने पनीर लिया हुआ है, जिसको मैं ग्रेटर में अच्छे से कद्दूकस कर लूँगी। तो पनीर को पूरा जितना है उसको कद्दूकस करने के बाद इसको रख देंगे साइड में। फिर हम मसाले भिगो लेते हैं बनाने के लिए। उसके लिए मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है। फिर थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको भिगो देंगे। अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ाई है फिर से गैस पे, और थोड़ी सी कसूरी मेथी को भून लिया है ताकि क्रश करने में आसानी हो। उसे अलग निकाल लिया। उसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा घी डाला है, और उसके बाद तेज़पत्ता। फिर उसके बाद जो मसाले हमने भिगोए थे वो डाला है, और गैस की आँच बिल्कुल मैंने थोड़ा मीडियम रखा हुआ है। और उसके बाद जो हमने प्यूरी बनाई है टमाटर काजू वगैरह की, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इस टाइम पे गैस को थोड़ा हम तेज कर लेंगे और अच्छे से भूनते जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा दूध। दूध मैंने गुनगुना दूध लिया है ताकि इसके अंदर एक क्रीमीनेस आए, इस वजह से मैंने दूध डाला है। उसके बाद हम तेज़ आँच पर ही इसे पकाते रहेंगे। अब गैस की आँच जो है वो धीमी कर देंगे। फिर करने के बाद इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ वो पनीर जो मैंने ग्रेट किए थे। वो पनीर को इसमें डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर देंगे, और सब्जी इतनी बेहतरीन बनती है भगवान के भोग की कि आप खाएंगे तो तृप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से पनीर को हम इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पर गैस की आँच जो है वो थोड़ा तेज़ी रखना है, कभी धीमी रखनी है। और क्योंकि ये सब्जी जो है पक चुकी है, अब जो हमने मेथी, जो कसूरी मेथी थी जो हमने भून लिया था, उसको हम क्रश करेंगे और इसके अंदर मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स जब हो जाए तब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपना किचन किंग मसाला, ये घर का बना हुआ है। और उसके बाद इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर में ये बनकर तैयार है एक मिनट के अंदर, और हम इसका गैस ऑफ कर देंगे। अब हम अपने कान्हा जी को भोग लगा देंगे। तो इसी तरीके से आज शाम की, संध्या की हमारे कान्हा जी का भोग ये था। तो आपको कैसी लगी रेसिपी कमेंट के थ्रू बताइएगा ज़रूर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।